नाइन्थ क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज वन की थी। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज टू करवाता हूं और मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने जिन बच्चों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलरली आपके पास होमवर्क वगैरह पहुँचे और जो भी चैप्टर्स लेसन्स हम लोग पढ़ेंगे वो आपके पास ईजिली आता जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग एक्सरसाइज टू स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज टू में आज हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इरेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिए नंबर लाइन क्या है, अपने पास एक लाइन है जिसके ऊपर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। देखिए जैसे कि सपोज करो आपको अगर रूट टू रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहली बात जब आप नोटबुक में आप कर रहे हो तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आपको ये नंबर्स प्लॉट करने हैं ताकि एरर ना आए। फिर उसके बाद आप कंपस वगैरह की हेल्प से भी कर सकते हो, रफली मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को। करना क्या है, जैसे रूट टू हमें रिप्रेजेंट करना है तो देखिए वन यूनिट डिस्टेंस ये हो गया, इसी वन के ऊपर हमने वन यूनिट डिस्टेंस सेम जिसकी जो लेंथ इसकी थी उतनी ही लेंथ इधर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, जैसे मैं इसको ओ कह देता हूं इस पॉइंट को, इसको पी और ये क्यू, तो देखो ओ क्यू लेंथ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर जो कि वन प्लस वन यानी कि रूट टू। इसकी लेंथ भी वन थी और इसकी लेंथ भी वन थी, वन का स्क्वायर वन हो गया और इस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन तो रूट टू। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, रूट टू हो चुकी है। अब देखिए हमने ये हमारे पास जो ओ क्यू लेंथ है इसको रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब देखो इस सर्कल के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लें उसका डिस्टेंस ओ से हमेशा रूट टू ही होगा, ये रूट टू ही होगा, रूट टू ही होगा, यानी यहां पे भी जो पॉइंट होगा ये भी कितना होगा, रूट टू होगा। तो यानी कि अब ये सेम यही आर्क लेके हम यहां पे ऐसे कट करेंगे और ये हमारा जो पॉइंट हो गया वो रूट टू हो गया, यहां पे रूट टू रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। देखो अगर आपको मान लिया कि रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है, अब ये सोचो रूट थ्री कैसे आएगा, देखो रूट थ्री कैसे बनेगा, ये बनेगा रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का, देखो रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन, तो यानी कि इस बार हमें क्या करना है, यहां से रूट टू तक जाना है। देखो मैं नीचे बताता हूं, जीरो ये वन था ये टू था, इधर आया मान लिया कि कहीं पे रूट टू, तो यहां पे आपको रूट टू पे जाना है और फिर वन यूनिट डिस्टेंस ये। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री। अब सेम यही आग लेके आप कट करोगे और ये हमारा रूट थ्री का पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है और ये आपका आज के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आज आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके आप लोग इसकी फोटोज जो है मुझे व्हाट्सएप करोगे आज इवनिंग तक। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचती रहें। और WhatsApp नंबर है ये मेरा 8950011231, जो भी आप लोग होमवर्क भेजोगे वो ग्रुप में नहीं डालना है, वो मुझे पर्सनली WhatsApp करना है इस नंबर पे। थैंक यू।